देखिए लगभग 3 घंटे से बोकारो स्टील सिटी के करीबन 300 ब्राह्मण यहां आए हुए थे और विधायक जी के इंतजार में जो लोकसभा के प्रत्याशी भी हो गए हैं। हमने जब यहां के पुजारियों से बात किया तो पुजारियों ने कहा कि बिना दक्षिणा लिए आशीर्वाद देने आया हूं और 3 घंटे के इंतजार के बाद विधायक जी अपने संबोधन में बिना दक्षिणा दिए जा रहे हैं तो ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, इतने देर से इंतजार कर रहे हैं। देखिए आ गए। ब्राह्मण समाज सदैव आशीर्वाद दिए और सदैव सबको दिए, हम लोग का क्षमता है, हम लोग ब्राह्मण समाज को दे सकते हैं। नहीं, अपने भाषण में आपने कहा कि नेता तो झूठे होते हैं, झूठ बोल के चल जाते हैं, तो इस बार पुजारी जी और क्षत्रिय यहाँ मौजूद हैं, तो दक्षिणा में कुछ मिलेगा जब जीत जाएंगे तो? दक्षिणा में हम ही हैं, हमको आदेश तो दे, दक्षिणा में हम ही हैं। लेकिन प्रकाश जी ने आपको बुलाया है, लगता है प्रकाश जी आपसे खुश नहीं है क्योंकि लगातार आप बोकारो में भाषण दे रहे, कह रहे 10 लाख पार करेंगे, प्रकाश जी कह रहे 8 लाख पार करेंगे, 2 लाख कहाँ जाएगा? देखिए वो मेरे बड़े भाई हैं, उनको ज्यादा आकलन होगा। 8 लाख से मार्जिन बोल रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे। अच्छा, कारो में उत्तरी क्षेत्र है जहां पंचायत का दर्जा आज तक नहीं मिला, विस्थापितों का आज तक उसके हक के लिए कोई भी सांसद लोकसभा में प्रश्न नहीं उठा पाया। बड़ा अच्छा बात आपने कहा कि अधिकारी अगर नेता से संपर्क में रहेगा तो जनता कभी खुश नहीं रहेगी। तो ढुल्लू महतो अगर चुनाव जीत जाएंगे तो बघमारा से जैसे ही धनबाद लोकसभा के सांसद बनेंगे तो वो बदल जाएंगे कि ढुल्लू महतो रहे। मर में विश्वास दिला तो क्या, बाघमारा से भी बगल में ही रहते हैं, बगल में जाइए। जो हम वर्ड दिए, जो वादा किए, एक एक वादा को मैंने पूरा करने का काम किया हूँ। तो जो समस्या चाहे तो एक और प्रश्न पूछना का, क्यों नाराज है सरजू चाचा से? चाचा तो भतीजे का काम किए जा रहे हैं, जो नाराज वोटर है उसे लपेट के अपने साइड ले जा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं चाचा, तो क्यों नाराज हो जा रहे हैं चाचा? देखिए हम उनके बारे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, उनसे मेरा कोई ऐसा व्यक्तिगत संबंध भी नहीं रहा, राजनीतिक संबंध भी नहीं रहा। वो जमशेदपुर से थे, हम तो कल के शुरुआत किए हैं राजनीतिक, तो हमसे क्यों नाराज है वो तो वही बताएंगे, हम तो नाराज नहीं है। हम तो मेरा गार्जियन, वो अभिभावक है, विधानसभा में हम उनका पैर छूते हैं। चिटाही धाम के तर्ज में बोकारो को पुजारियों को भी तोहफा मिलेगा आने वाले समय में? देखिए आज बता दे रहे विधायक जी, दादा का कितना आशीर्वाद मिलेगा, दादा के जो संपर्क आपका रहा है, आशीर्वाद रहा है इस चुनाव? दादा मेरा, क्योंकि हर दादा मेरा राजनीतिक गुरु रहा है, दादा मेरा गुरु रहा, दादा मेरा भगवान के रूप में, उसमें कोई दो मत नहीं है। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक दादा को हम भूल नहीं सकते, कैसे दादा भूल सकते हैं।